तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई यूपी ट्रिपल सी वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी वीडियो री एग्जाम के बारे में, इसका एग्जाम डेट को लेकर, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, हमारे बहुत सारे साथियों के प्रश्न आ रहे थे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और लगभग ये भी बताएंगे किस मंथ तक हो सकता है किस। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आपको बता दूं साथियों, जो यूपी ट्रिपल सी वीडियो की भर्ती 2018 में आई थी, ठीक है, कुछ 2018 में आई थी, हालांकि इसका पेपर भी हुआ था, ठीक है, 22 और 23 दिसंबर को 2018 में, मगर उसके बाद क्या, लगभग 1350 या ऊपर इसके समथिंग ओएमआर से छेड़छाड़ की गई, तो वहां पर ये बड़े स्तर पर धांधली हुई। तो इसके बाद इस भर्ती को पूरी तरीका से यानी कि नष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी जो डिसीजन आ चुका है लगभग, ठीक है, अब इसका पेपर तो दोबारा होने वाला है। मगर अभी तक जैसा कि आपने देखा होगा, अभी इसके बारे में कोई भी, जैसे कि हमने कुछ समय पहले इसके लिए प्रयास किया था ट्विटर अभियान के लिए, मगर कोई भी साथी उसमें साथ नहीं आए। क्योंकि आपको बता दूं, कोई भी चीज़ सही, आप देख रहे होगे यूपी ट्रिपल सी में कोई भी वैकेंसी होती है उसके लिए या तो ट्विटर अभियान चलाना पड़ता है, मगर बहुत सारे हमारे साथी यानी कि धरना प्रदर्शन करना पड़ता, तभी कुछ ना कुछ होता है। मगर आपको बता दूं, बहुत सारे साथी इसमें कोई भी ट्विटर अभियान में नहीं आया, क्योंकि 25 दिसंबर को मैंने अपनी वीडियो में बताया था, मगर उसमें ज़्यादा ट्वीट नहीं हुए, लगभग 100-200 ऐसा ट्वीट हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हुए। तो आपको बता दूँ, अगर वो शायद वो चीज़ हो जाती तो कहीं ना कहीं आपको जो और मतलब निर्णय आ जाता कि हाँ, मार्च के महीने में इस दिन को कराने वाले। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूँ और अब भी बता रहा हूँ, लगभग जैसे मुझे पता चल रहा है कि आपका पेपर पूरी तरीका से मार्च महीने में होने की प्लानिंग चल रही है, आयोग सोच रहा है कहीं ना कहीं मार्च महीने में। आपको बता दूँ, जैसे कि बहुत सारे कह रहे हैं कि यूपी बोर्ड के पेपर हैं, मगर आपको बता दूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड के आप भी समझदार हो, पहले जैसे इंटर के यानी कि एक एक सब्जेक्ट के दो दो पेपर होते थे, मगर अब क्या है, सिर्फ 5 पेपर होंगे, ठीक है, लगभग एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर बचा है। ठीक है, तो आपको बता दूँ उसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, और आपके पेपर की भी बता दूँ, क्योंकि इसमें 2 दिन में परीक्षा होगी, जैसे उस हिसाब से जैसे 22 और 23 दिसंबर को हुई थी, तो लगभग 2 दिन में परीक्षा होगी। तो आपको बता दूं, कहीं ना कहीं विद्यार्थी भी कम बैठेंगे, तो शायद 1 दिन में भी करा ले, क्योंकि आपको बता दूं 14 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, उस समय 9 लाख 10 हज़ार करीब बच्चे बैठे थे जब 2018 में इस पर का पेपर हुआ था। मगर आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अब 4 से 5 लाख ही स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि आप भी समझदार हो, 2018 से और 2022 में कितनी वैकेंसियां कहीं ना कहीं कम्पीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब वही पेपर देने जाएगा, कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, या साथ कोई ग्रुप डी वाला एग्जाम जो विद्यार्थी हो, कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टेबल एग्जाम पर नौकरी कर रहा हो, तो वो विद्यार्थी देगा इसका। ठीक है, तो आपको बता दूं, अब अगर अभी से आप पढ़ाई, जैसे कि आपको समझ रहे, आप ये सोच रहे हो अभी पेपर नहीं होने वाला है, अगर आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, अगर वीडियो में 1953 पद में अगर आपको एक सीट चाहिए, तो अपनी पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि आपको भी पता है आयोग फिर ज़्यादा समय देगा नहीं, क्योंकि 2018 की भर्ती है, फिर ये सोचोगे कि हमें 2-3 महीने मिल जाए, ये नहीं मिलने वाला है। मगर आपको पता है अभी से हमारे पास लगभग 2 से 3 महीने हैं, तो अभी अपनी पढ़ाई को हम अच्छी कर सकते हैं, तो अपनी पढ़ाई करते रहो। क्योंकि आपको बता दूं, फिर जब इसका जो डेट वगैरह आने जाएगी, तो आप फिर फियर में आ जाओगे और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना आपकी पढ़ाई होगी, ना फिर आप जो कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ वो भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, जैसे एग्जाम डेट आने के बाद, तो इस हिसाब से, क्योंकि लगभग जैसा मुझे पता चल रहा है यूपी ट्रिपल सी के मेंबर के द्वारा, कि आपका पेपर है मार्च महीने में प्लानिंग की जा रही है, लगभग लास्ट तक हो जाएगा इसका पेपर, क्योंकि या तो 1 दिन में होगी परीक्षा या लगभग 2 दिन में, जैसे पिछली बार ज्यादा विद्यार्थी बैठे थे इस वजह से 2 दिन में कराई थी। मगर आपको बता दूं, लगभग अगर 4 से 5 लाख विद्यार्थी बैठे, मगर ऐसा आयोग को तो खैर नहीं पता, तो लगभग 2 दिन में ही आपकी परीक्षा शेड्यूल की जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, तो इस हिसाब से अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आपको बता दूं इसमें मैथ वगैरह आने वाला नहीं है। बहुत सारे साथी हो चुके हैं मैथ वगैरह से डरते हैं, इसमें हिंदी होगी, रीजनिंग होगी और जीएस होगी, प्रत्येक जो प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है, वो जानते हो, लगभग 300 अंक का मार्क्स, 300 का पूर्ण अंक है, ठीक है, 300 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, तो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो। ठीक है, और कट ऑफ वगैरह ज़्यादा नहीं रहने वाली, क्योंकि कंपटीशन का स्तर तो वैसे ही बहुत कम हो गया। हालांकि आपको बता दूँ, 4 से 5 लाख जितना भी स्टूडेंट बैठेगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही बैठेगा और अच्छी तरीका से बैठेगा। बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने पिछली बार इसके एग्जाम क्लियर किया था, वो भी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ से कैसे पेपर पूछा जाता है। मगर बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन पर गलतियाँ हो, तो अपनी वो गलतियां दोहराएंगे नहीं। ठीक है, हमारे बहुत सारे साथी होंगे उसमें सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे साथी होंगे सिर्फ एग्जाम डेट को ही देख रहे हैं कि एग्जाम डेट आ रही है कि नहीं आ रही है, वो यही सर्च कर रहे हैं एग्जाम डेट आ रही है कि नहीं आ रही है। मगर बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया होगा और कहीं ना कहीं वो मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, तो अपनी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर में ज्यादा समय देखने मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी, जैसे आपको बता दूं, भर्ती पुरानी है, तो इस हिसाब से इसका
परीक्षा पहले कराई जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिर कोई भर्ती नहीं है। जैसे कि आपको बता दूं, पैट का रिजल्ट आने के बाद लगभग, और लेखपाल का रिजल्ट आने के बाद फिर कोई भर्ती नहीं बचेगी, पहले इसी का पेपर कराया जाएगा, ठीक है, जैसे मुझे पता चल रहा है। और आपको बता दूं, जो कुछ भी न्यूज मिलती है वो सच ही माननी पड़ती है, उसे गलत नहीं मान सकते, ठीक है, कोई जो बताता है। तो आपको बता दूं, मगर आप लोग क्या होते हो, उसे गलत मानते हो। मगर आपको बता दूं, जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी तो लगभग मार्च में ही पेपर होने वाला है, तो वो देख लेना, लगभग लास्ट के मार्च तक आपका पेपर कराने की पूरी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, अगर अभी से नहीं किए तो अभी भी आप काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो अपनी पढ़ाई में, अगर अभी भी नहीं किए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, तो अभी भी सिलेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूपी ट्रिपल एससी कोई भी अपडेट होती है हम चैनल पर अपने सबसे पहले देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं रखते हैं, धन्यवाद।